If you learn, you will earn. Dominitech. The paradise for learners. www.dominitech. Audio lectures with assistive technology that ensures ease in understanding and learning. Now let's start the lecture. Here, begin the lecture. Begin the lecture. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन है और आज का हमारा ये ऑडियो लेक्चर कंप्यूटर बेसिक के हवाले से है। प्रोग्राम C1 एक्सपर्ट का ये लेक्चर है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं साउंड की सेटिंग, कि किस तरीके से साउंड की सेटिंग की जाती है विंडो 10 में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ स्टार्ट में। सर्च बॉक्स एडिट टाइप एंड टेक्स्ट, ये स्टार्ट प्रेस कर दिया मैंने और यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ कंट्रोल CTRL कंट्रोल पैनल ऐप प्रेस राइट द स्विच। ये इस तरीके से आ जाएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। इस पे आप एंटर कर देंगे एंटर Control panel, search box edit, type and text. ये सर्च बॉक्स आ गया और यहाँ पे हम लिखेंगे साउंड SOUND साउंड लिंक। टैप प्रेस किया तो आया साउंड लिंक, इस पे मैं स्पेस कर दूंगा स्पेस। साउंड डायलॉग प्लेबैक पेज सिलेक्ट द प्लेबैक डिवाइस बिलो टू मॉडिफाई इट्स सेटिंग। साउंड डायलॉग प्लेबैक पेज, ठीक है। यहाँ पे दो तीन पेजेस हैं साउंड के और ये जो सबसे पहला पेज होता है वो प्लेबैक का पेज होता है। अब ये प्लेबैक क्या है, वो डिवाइस जो आउटपुट साउंड दे रही हो, यानी कि वो स्पीकर भी हो सकता है, वो हेडफोन भी हो सकता है, वो हैंड्स फ्री भी हो सकती है, वो कंप्यूटर का डिफॉल्ट स्पीकर भी हो सकता है। तो ये प्लेबैक का पेज है, इसमें सारी डिवाइसेस आपको शो हो रही होंगी जो जो आपने अब तक कंप्यूटर में कनेक्ट की हैं, वो सारी की सारी आपकी डिवाइसेस, आपके लैपटॉप की डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर की डिवाइसेस शो हो रही होंगी, ठीक है। प्लेबैक में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। होम सिलेक्टेड Speaker, headphones, 2-RB-S8 stereo disconnected. ये एक आया और इसमें जो है ये डिवाइस का नाम लिया है सबसे पहले, यानी डिवाइस का मॉडल बताया है और ये सबसे पहले ऊपर बता रहा है डिसकनेक्टेड, ठीक है, या डिसेबल, यानी उसका मतलब ये कि या तो वो डिवाइस कनेक्ट नहीं है या फिर वो डिसेबल की गई है। डाउन एरो करते हैं। Speakers, 2-Synaptics HD Audio Ready. ये है स्पीकर, ठीक है, जो डिफॉल्ट स्पीकर होते हैं वो दिखा रहा है और इसके आगे बता रहा है रेडी। रेडी का मतलब ये कि स्पीकर्स की डिवाइस अवेलेबल है, बस आपने उसको डिफॉल्ट डिवाइस बनाना है। हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से डिफॉल्ट डिवाइस बनाई जाती है। डाउन एरो करते हैं। Headphones, 2-Synaptics HD Audio Not Plugged In. ये इसने बताया कि हेडफोन है लेकिन प्लग इन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। Headphones, 3-Anchor A3143 Stereo Disconnected. ये बता रहा है कि ये कनेक्टेड तो है लेकिन डिस्कनेक्ट है ये डिवाइस, ठीक है। Headphones, 5-TW-85 Stereo Disconnected. ये भी एक और हेडफोन की डिवाइस कनेक्ट की हुई है लेकिन डिसकनेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी डिवाइसेज हैं वो शो हो रही होंगी, बहुत सारी आपने डिवाइसेज लगाई हुई होंगी, ठीक है। चार किस्म की स्टेट्स होती हैं, रेडी, डिसकनेक्टेड, नॉट प्लग इन और डिफॉल्ट, ठीक है। रेडी वो होता है कि रेडी में आपकी डिवाइस अवेलेबल है और कनेक्टेड भी है, ठीक है, ये रेडी की स्टेट है। तो इसी तरीके से हम दूसरी स्टेट्स को देखें, नॉट प्लग इन, ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो डिवाइस प्लग इन नहीं है लेकिन नाम शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे कनेक्ट की हुई थी, ठीक है। तीसरी स्टेट है डिसेबल, ठीक है, डिसेबल का मतलब ये कि डिवाइस कनेक्टेड है लेकिन यूज़ नहीं हो रही बल्कि इनेबल भी नहीं है, ठीक है, डिसेबल है वो। और चौथी स्टेट है डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट का मतलब ये कि जिस डिवाइस के आगे बता रहा हो डिफॉल्ट तो इट मीन कि वो डिवाइस सिस्टम यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कौन सी डिवाइस सिस्टम यूज़ हो रही है। टॉप ऑफ फाइल जाता हूँ मैं। Home, headphones, 2-RB-S8 stereo disconnected. ठीक है, ये तो डिसकनेक्टेड है। डाउन एरो करते हैं। Speakers, 2-Synaptics HD Audio Ready. ये रेडी है, ये भी नहीं यूज करना हमने। Headphones, 2-Synaptics HD Audio Not Plugged In. ये भी नहीं। Headphones, 3-Anchor A3143 Stereo Disconnected. ये भी नहीं। Headphones, 5-TW-85 Stereo Disconnected. ये भी नहीं। आपने नोट किया होगा कि पूरा मॉडल का नेम बताता है और उसके बाद लास्ट में उसकी स्टेट बताता है। Headphones, T7 Stereo Default Device. Headphone T7 Stereo Default Device. यानी कि इस टाइम जो मेरी डिवाइस है वो हेडफोन है, उसका मॉडल T7 है और बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने वो हेडफोन इस टाइम लगाए हुए हैं और वो यूज़ हो रहे हैं एज अ डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम आपकी डिवाइस कौन सी बनी हुई है। अगर आप जिस डिवाइस में चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने हेडफोन भी कनेक्ट किया हुआ है और उसके अलावा आपने स्पीकर्स भी कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई अभी मुझे स्पीकर्स में नहीं सुनना मुझे, ठीक है, मैं नहीं सुनना चाहता इस टाइम, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं अपना हेडफोन लगा के सुनना चाहता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी जो डिवाइस है स्पीकर्स की वो डिफॉल्ट बनी हुई है तो सारी वॉइसेज उसमें आ रही हैं, गाने हो गए, वीडियोस हो गई, कुछ भी हो गया, जॉज हो गया, एनवीडी हो गया, वो सब उस स्पीकर्स में आ रहा होगा। तो आप चाहेंगे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हेडफोन यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे प्लेबैक पैच पे और जिस डिवाइस को आपने डिफॉल्ट बनाना है, जो आपकी हेडफोन की डिवाइस होगी या हैंडफ्री की डिवाइस होगी, उसके नेम पे आना है आपने और उसको डिफॉल्ट बना देना है।
अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम डिफॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं टॉप ऑफ फाइल जा रहा हूँ, Home headphones 2-RP-8 stereo disconnected. Speakers 2-Synaptics HD audio ready. Headphone speakers 2-Synaptics HD audio ready. ठीक है, ये रेडी हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, टैप प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से मैं। Configure button to act. ये कॉन्फ़िगर बटन है। कॉन्फ़िगर का मतलब ये कि वो आपसे टेस्ट करवाएगा कि आपकी ये डिवाइस सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। टैप करते हैं Set default button to act. सेट डिफॉल्ट बटन, ठीक है। इस पे जब हम स्पेस कर देंगे तो ये हमारा जो स्पीकर की डिवाइस है वो बन जाएगी डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन इस टाइम मैंने हेडफोन लगाए हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं नहीं चाहता इस टाइम स्पीकर को डिफॉल्ट बनाना, तो इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पे चेक नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे हेडफोन आ रहा हो और स्पीकर्स में आपकी आवाज़ आ रही हो और आपके पास यहाँ पे आ रहा हो हेडफोन रेडी या हैंड फ्री रेडी, जो भी आपका मॉडल होगा। तो आपने इसी तरीके से टैप टैप करना है रेडी वाली डिवाइस पे, और टैप टैप करने के बाद सेट डिफॉल्ट बटन आ रहा होगा और सेट डिफॉल्ट बटन को आपने स्पेस कर देना है। तो फिर आपकी वॉइसेस तमाम तरह का सिस्टम साउंड आपके हेडफोन में या हैंड फ्री में आना शुरू हो जाएगा, स्पीकर से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टैप प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से मैं। Properties button to activate press space bar alt plus P. ये प्रॉपर्टी बटन है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करूंगा, space speakers properties dialog general page यहाँ पे भी पेजेस आ गए बहुत सारे, और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से पेजेस हैं। सबसे पहले पेज जो है वो जनरल का है। अब इसको मैं मूव करूंगा कंट्रोल टैब से, levels page speakers left, ये लेवल पेज यानी कि लेवल का टैब है। दोबारा प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल टैब, enhancements page एनहेंसमेंट, ठीक है। इसके बाद करूंगा एडवांस पेज, एडवांस स्पेशल साउंड पेज, स्पेशल साउंड जनरल पेज, जर्नल, ठीक है। मैं जर्नल पे आ गया। अब यहाँ से टैप करते हैं चेंज आइकॉन बटन, चेंज आइकॉन बटन। आप इसकी आपकी जो डिवाइस है इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज बटन, ठीक है। इसमें भी कुछ सेटिंग्स हैं वो देखेंगे हम। इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे जाके देखते हैं क्या क्या है। लेवल्स पेज स्पीकर्स लेफ्ट राइट स्लाइडर 98, ठीक है। ये लेवल आ रहा है कि लेवल मीन क्या, जो मेरा स्पीकर है या फिर मेरा हेडफोन है, ये जाहिर है इस टाइम स्पीकर की सेटिंग बता रहा है, हेडफोन की नहीं बता रहा, क्योंकि इस टाइम हम प्रॉपर्टी में है स्पीकर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है 98%। 98% का मतलब ये हुआ कि मेरा जो वॉल्यूम है उस डिवाइस का वो 98% हुआ हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से डाउन एरो और अप एरो करके कम ज़्यादा कर सकता हूँ। 97%, 96%. ये मैं डाउन एरो प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि कम हो रही है वॉइस, ठीक है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। अब पैरो करेंगे 98%, 99%, 100%, ये 100% आ गया यानी कि ये फुल हो गया। टैप करेंगे यहाँ से स्पीकर म्यूट चेक बॉक्स नॉट चेक्ड, चेक स्पीकर म्यूट का चेक है ये। अगर आप इस पे स्पेस कर देंगे जो भी आपकी डिवाइस होगी, जिस भी डिवाइस की आप प्रॉपर्टी में होंगे, तो इसको स्पेस कर देंगे यहाँ से तो वो म्यूट हो जाएगा। बाद अवकात ऐसा होता है कि आपकी जो साउंड की सेटिंग हुई भी होती है वो डिफॉल्ट बनी हुई होती है, उसके बावजूद आवाज़ नहीं आ रही होती, ना जॉस की आवाज़ ना सिस्टम की दूसरे साउंड की आवाज़। तो उसकी वजह यही होती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे चेक लग गया हुआ होता है, यानी म्यूट पे चेक लगा हुआ होता है। तो हो सकता है कोई ऐसी अपने एप्लीकेशन की हो जिसने डिफॉल्ट आपकी सेटिंग को छेड़ दिया और इसलिए आपका साउंड म्यूट हो गया। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से उसको नॉट चेक कर देंगे म्यूट के ऊपर से। टैप करेंगे यहाँ से स्पीकर्स बैलेंस बटन, स्पीकर बैलेंस बटन, ये वो है बैलेंस, यानी इस पर स्पेस करेंगे तो इसका भी स्लाइडर आ जाएगा कि लेफ्ट में कितने परसेंट और राइट में कितने परसेंट, ठीक है। 50-50 होता है, ये बैलेंस है ये लेफ्ट और राइट का, ठीक है। टैप करेंगे ओके बटन, ओके बटन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओके कर दूंगा तो मेरी सेटिंग सेव हो जाएंगी। टैप करते हैं कैंसिल बटन, कैंसिल लेवल टैब, ठीक है। ये दोबारा आ गया लेवल टैब पे, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा आगे मूव करते हैं कंट्रोल टैब से, इन्हेंसमेंट टैब। अब ये ज़रूरी नहीं है, डिवाइस पे डिपेंड करता है कि डिवाइस इन्हेंसमेंट सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अगर सपोर्ट करती हुई तो आपके पास आ रहा होगा, और अगर नहीं सपोर्ट करती हुई तो आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से हम डाउन एरो करके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट्स चेक बॉक्स नॉट चेक, डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट, ठीक है, चेक है इसका, या आपने नॉट चेक रखना है, ये आपकी मर्जी है। टैप करेंगे ओके बटन, ओके कैंसिल बटन, एनहांसमेंट्स टैब, द स्विच पेजेस, एनहांसमेंट पे आ गया। इस टाइम बेसिकली मेरे पास जो डिवाइस है, इस टाइम जो लगी हुई है यानी कि स्पीकर्स की, वो सपोर्टेड नहीं है एनहांसमेंट की, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा ड्रॉप डाउन के, जस्ट सेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल टैप करते हैं एडवांस टैब, द स्विच पेज, ये एडवांस टैब में आ गए हम। टैप करेंगे यहाँ से डिफॉल्ट फॉर्मेट, सेलेक्ट द सैंपल रेट एंड बिट डेप्थ टू बी यूज्ड व्हेन रनिंग इन शेयर्ड मोड, कॉम्बो बॉक्स 24 बिट 4, ठीक है। ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं क्वालिटीज, यानी कि जो आपकी डिफॉल्ट क्वालिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। डाउन एरो करेंगे 24 बिट 9600, 24 बिट 24 बिट 48, 24 बिट 1900,
अगर आपको बिट रेट्स पता हैं कि क्या होते हैं और किस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, तभी आप इस सेटिंग्स को आप छेड़ सकते हैं। टैप करेंगे यहाँ से डिफॉल्ट फॉर्मेट टेस्ट बटन टू एक्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट टेस्ट बटन, ठीक है, ये टेस्ट कर देगा यहाँ पे कि कौन सा जो फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो क्वालिटी वॉल्यूम है, यानी कि क्वालिटी है जो उसकी ऑडियो की, वो ये चेक करा देगा। टाइप करते हैं, Exclusive mode allow applications to take exclusive control of this device. Checkbox checked. ये कह रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर वो जो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है उसको ओवरराइड करना चाहे उस ऐप के हवाले से, यानी कि उस ऐप में जो रिक्वायरमेंट्स हैं साउंड की उसको ये ओवरलोड करना चाहे, तो क्या करे या ना करे, तो ये उस चीज़ का चेक है। ठीक है, टाइप करेंगे, Exclusive mode give exclusive mode applications priority. Checkbox checked. ठीक है, ये भी उसने यही बताया कि भाई प्रायोरिटी जो दे वो एप्लीकेशन को दे कि एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो एप्लीकेशन होगी उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी साउंड की वो फैच कर लेगी। ठीक है, टैप करते हैं, Restore defaults button to act. रीस्टोर डिफॉल्ट बटन, यानी कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस की हुई हैं, अगर तो आप चाहते हैं अब वापस रिवर्ट हो जाएं तो रिस्टोर कर दें, तो आप यहाँ से स्पेस कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है साउंड कार्ड की, आपकी जो साउंड मैनेजर की, वो आ जाएगी। टैप करते हैं, Okay button to ओके बटन आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पेजेस होते हैं और इस तरीके से आप इन पे मूव कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका बैलेंस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइकन भी आपको मैंने बताया कि चेंज कर सकते हैं आप, किस तरीके से डिफॉल्ट बनाते हैं ये भी हमने देखा कि किस तरीके से डिफॉल्ट बनता है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको स्केप कर दूंगा, Escape properties button to activate. मैंने यहाँ पे स्केप कर दिया। आप चाहते, आपने अगर सेटिंग चेंज की है तो आप वहाँ पे जाके ओके बटन को प्रेस कर देंगे, लेकिन तब भी आप इसी जगह पे आएंगे, यानी प्रॉपर्टी के फोकस पे। अब यहाँ से मैं टाइप करता हूँ Okay button to act. ओके, Cancel button to act. कैंसल, Playback tab. प्लेबैक टैप। ठीक है, हमने देख लिया इस टाइम प्लेबैक को, अब यहाँ से हम मूव करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आज का ये ऑडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम सिलसिला आगे जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को भी एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मज़ीद मिला होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Now it's time to pay the price for watched video. Wonder how? Like, comment and share the video. Also, don't forget to subscribe the channel. If you think this type of video are informative for you, then press the notification button for getting our latest videos. You will earn if you learn. www.dominique.tech